I'm going to open it out to the media. Shoot as you want. I'll just direct as you guys say. Pehla sawal kiska? Hi, Khan sahab, aapke left mein Alok here. Khan sahab, aapne race 1 ya 2 dekhi thi? Nahi dekhi thi. Aur nahi dekhi thi to kya? Achha hua na, nahi dekhi. Khan sahab, kya karan the ki race 3 se aap jude? Sir, time nahi mila sir mujhe dekhne ke liye race 1 2. But mujhe format pata tha. तो उस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना था तो उसमें थोड़ा सा हम आपके कौन डाल दिया खान साहब इसकी एक टैगलाइन है यू डोंट नीड एनिमीज व्हेन यू हैव अ फैमिली जी तो इस टैगलाइन से कितना इत्तेफाक रखते हैं सर पर्सनली तो नहीं रखता इस फिल्म में रखना पड़ रहा है मुझे जैकलीन आपको सीक्वल क्वीन माना जाने लगा है कि सीक्वल्स का आप हिस्सा बनती हैं वो ब्लॉकबस्टर होती हैं किस तरह से देखती हैं रेस 3 डेफिनेटली आई थिंक नो डिफरेंट फ्रॉम शर्म नहीं आती हिंदी में सवाल पूछते हो सर मुझे इंग्लिश नहीं आती नो बट इट इज आई मीन इट्स ऑनेस्टली सच एन एक्साइटिंग फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ अ फ्रेंचाइज दैट यू आर पार्ट ऑफ बिफोर एंड cuz इट जस्ट कीप्स गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बेटर सो दिस इज रियली एक्साइटिंग Depending who's going to be in the next race, huh? Yeah, hi sir. Remo sir, आपसे एक सवाल है मेरा कि जब इस लेवल की टीम आपको दी गई with Salman, hi Remo sir. Hi. जब इस तादाद की टीम आपको दी गई इतने बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार हैं, तो कोई प्रेशर था एक डायरेक्टर के तौर पर? मैं अगर नहीं बोलूँगा तो झूठ बोलूँगा. Actually प्रेशर बहुत था. इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा फिल्म करना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेशर था. But सपोर्ट बहुत था पूरी टीम से एंड इसलिए पुल ऑफ कर पाया मैं एक्चुअली सो हाय सलमान आपके सामने यहां पर राइट सर सोहेल नीचे या हाय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल द ट्रेलर इज फैबुलस सलमान कब आपने सोचा कि रेस के साथ जुड़ना है व्हाट मेड यू एक्चुअली यू नो पहले आप इस फ्रेंचाइज तो ये 2 साल पहले मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी मेरे बाउंसर चली गई स्क्रिप्ट एंड रमेश जी केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि फिर से सुन लो फिर से सुन लो फिर से सुन लो देन आई हर्ड इट अगेन एंड देन आई थॉट इट्स अ डिफरेंट जॉनर फॉर मी टू डू और आई जस्ट नीड सम फ्यू चेंजेस क्योंकि मैं एज द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई एम डूइंग आई डोंट फिट द रेस का एक वो जो फिल्म है जो कि आई हैव नॉट सीन द होल फिल्म्स बट आई हैव seen his work and I've seen some songs of the film so I know the genre of the film so I didn't know where I would fit in the genre so then Ramesh ji and Shiraz bhai sat on the script and reworked it out and they came and narrated to me and then I realized that this is actually a fun film to do for me and we all had a blast we had a great time shooting it yeah it's and jo pehle hota tha na ek musical action bonanza जो एक बहुत टाइम में नहीं आया एक आके एक बड़ी पिक्चर देखो जिसका म्यूजिक बहुत बड़ा है जिसका एक्शन बहुत बड़ा है जिसका इमोशन करेक्ट है यू नो इट्स जस्ट यू कम इन इंटरवल तो देखो यू नो एंजॉय इट कम बैक आफ्टर द इंटरवल एंड के अंदर यू नो ताली वालियाँ मार के एक पेट भर के यू नो एक इंजॉय करके निकलो दिस इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच आई हैवन्ट डन इन अ वेरी लॉन्ग टर्म वी नेवर डन एट ऑल एक्चुअली सर आप बाद में ज्वाइन हुए एज अ प्रोड्यूसर लाइक यू नो लाइक द फिल्म्स दैट Mr. Bachchan and VK sir and Dharam ji used to do that, you know, come watch, have a great time and go back home. This is that show. Anil ji, aap originally race se jude ho. Aapne dekha hai Abbas Mastan ji ki style and Remo ji ki. What have you to say ki ye scale kitna upar gaya in fact? Mujhe aisa lagta hai ki aap log film dekhenge to aapko pata chalega. Kyunki, you know, it's better that our works speaks rather than, you know, me saying about the film. Once you see the film, you've seen the trailer. But I can talk, right? You can. He's outstanding in the film. Outstanding. Means outstanding means like he's phenomenal in the film. Mastered the look. Anil sir, इस बार कौन सा फल खाते हुए नजर आएंगे आप? Success का. नाना जी हेलो तरानी सर से मेरा क्वेश्चन है तरानी सर ऑन द राइट सर जैकलिन इज द ओनली एक्ट्रेस दैट यू हैव रिटेन्ड इन द फिल्म सो
what was the reason? Do you think she's lucky for you? नहीं नहीं नो एक मिनट सो मीन रमेश जी से पूछ रहा हूं अनिल सर भी हैं लेकिन अनिल जी का कैरेक्टर इस पिक्चर में टोटली डिफरेंट है आई सेड एक्ट्रेस हां एक्ट्रेस जैकलीन का भी आप देखेंगे तो अलग है कैरेक्टर अलग है इस पिक्चर एक्ट्रेस और इसमें मेन रोल है उनका जैकलीन आफ्टर kick you are teaming up with Salman sir again and then again you will be doing another film with him so how do you see work with him again and this is going to be your second time what can I say I owe Salman a lot I owe him everything so doing Kick was one of the biggest turning points in my career and now I feel I have that same feeling with Race again it's a dream to work with him. He's an amazing person. He's an amazing human being. Salman, anything else? So actually, Remo, me, Jackie, and Daisy were supposed to be doing another film together. And then we were still working on the script and came Race. So then I asked Remo if he wants to do Race. And so as you know, the same team gets into Race and we make Race before we make that film. So if this film goes okay, then this team, we does the other film together. रेमो सर मेरा सवाल आपसे या इस तरफ रेमो जी इधर हाँ जी इसमें स्टार कास्ट इतनी बड़ी है इन सबको हैंडल करते हुए स्क्रिप्ट पर वर्क करना कितना मुश्किल था सबके लिए रोल निकालना सबके लिए करना और स्पेशली जब इतने बड़े बड़े स्टार्स हो तो मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट पहले बनी है उसके बाद मैं आया हूँ तो शिराज भाई ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और स्क्रिप्ट सलमान सर ने दो साल पहले सुन भी ली थी उसके बाद जो चेंजेस बोले थे वो भी हो चुका था उसके बाद मैं आया हूँ उसके बाद मैंने और शिराज भाई एंड हम सब मिलके वापस हम स्क्रिप्ट पे बैठे जो जो चेंजेस करने थे वो किए एंड उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लिखी थी और जिन जिन के किरदार इसमें थे और वो सभी के प्रॉपर रोल हैं इसमें सभी का इक्वली काम है तो आई थिंक और इसमें हम लोग वो स्टार वैल्यू पे नहीं गए इसमें हम कैरेक्टर्स के ऊपर गए हैं कि कौन किसका कैरेक्टर वो जस्टिफाई होना चाहिए इट डजंट मैटर के हु इज डूइंग वेल हु इज नॉट डूइंग वेल एवरीवन हैज बीन ट्रीटेड इक्वली इन द फिल्म आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चढ़ते सूरज वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर